एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होगे, सेफ होगे। तो गाइज मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। और गाइज आज 11 दिसंबर और अभी बज रहा है दोपहर का 1। तो बच्चे हमारे स्कूल से आ गए हैं और परी भी बस आने वाली है हरसू। ये तीनों तो आ गए हैं, परी अलग जाती है तो गाइज वो अभी आई नहीं है, बस वो अभी आने वाली है क्योंकि अभी जो है सर्दियों में उसका लेट स्कूल हो गया है और तो वो लेट ही आती है। वो हरसू और ये पहले आ जाती है क्योंकि वो उससे पहले जाती है अभी। तो गाइज आज 11 दिसंबर है और आज है मम्मी पापा जी की एनिवर्सरी। तो अब भी देखते हैं शाम को क्या होता है। तो गाइज बस यही है। गाइज मैं तो ना सो भी गई थी क्योंकि मेरा जो है, मैं सुबह 5 बजे उठी थी तो जल्दी काम हो गया था सुबह। तो गाइज अभी सर्दियाँ हो चुकी है, कंबल ओढ़ के फिर मैं तो सोगी। और हरसू ने जो मुझे उठाया स्कूल से आया था वो 12:30 बजे। तो अभी बस परी आने वाली है, वो थोड़ी लेट आती है। गाइज पहले तो जो है हरसू जो है मतलब लेट जाता था स्कूल, परी का 7 बजे और हरसू का जो है 8 बजे। तो पहले परी रोती थी कि मम्मा मेरा कब लेट का स्कूल होगा, हरसू लेट जाता है, मैं जल्दी चली जाती हूँ। और अभी जो है परी का लेट स्कूल हो गया है, हरसू की टाइमिंग वही है जो गर्मियों में थी वही अभी है। तो वो रोता है अभी कि मम्मा मैं कब लेट जाऊँगा स्कूल, परी जो है लेट जाती है क्योंकि गाइस सर्दियों में सबको नींद आती रहती, बच्चे जो उठने में बहुत वो करते हैं। तो हरसू भी रोता है कि मैं कब लेट स्कूल जाने लगूँगा। तो बस बच्चों का तो यही चलता रहता है। और गाइस इसीलिए मैं जल्दी भी उठ जाती हूँ क्योंकि जो है सुबह फिर लंच वंच और बच्चों को जो है बहुत देर तो उनको उठाने में और तैयार करने में लग जाती है। तो अभी मैं जल्दी उठ जाती हूँ, 5 बजे उठ गई थी इसी वजह से गाइस मुझे नींद भी आ गई। तो यही है कि अब भी देखते हैं शाम को क्या होता है। और गाइस हमारे जो बड़ी मम्मी बड़े पापा जी है और मम्मी पापा जी दोनों की ही आज एनिवर्सरी है, तो देखते हैं अभी शाम को केक कटेगा। तो बच्चे तो बहुत खुश है क्योंकि घर में किसी का भी बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनको पता है कि केक आएगा, शाम को केक काटेंगे सब मिलके। तो अभी स्कूल से आ जाएगी परी और बस आप बने रहिए गाइस, ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत किया करो, पूरा देखा करो। और मिलते अभी थोड़ी देर पर। सो गाइज अभी बज चुके हैं शाम के 6 और हम आए हैं अभी मार्केट क्योंकि जो है परी की लेनी है ड्रेस। इसकी एक ड्रेस तो गाइज सर्दियों की आ गई है और जो है एक और लेनी है वो लग जाती। तो गाइज वही अभी हम लेने आए हैं और जो है आज मैं घूम रही हूँ क्योंकि इस खाना नहीं बन रहा है घर पे, मतलब बना बनाया आएगा होटल से। और केक जो हम अभी साथ के साथ लेके जाएंगे यहीं से, तो अभी इसकी ड्रेस ले लेते हैं और केक भी जो लेके चलेंगे यहीं से, खाना जो इतने भाई साहब ले आएंगे। चलते पहले ड्रेस ले लेते हैं इसकी, ये बैठ। किसकी एनिवर्सरी आज? माजी बाबा की। अच्छा जी, और केक कौन काटेगा? माजी बाबा। माजी बाबा गाइस। सो गाइस ड्रेस तो हमने ले लिए और अभी जो है हम रुके अपनी फेवरेट मोमोज खाने की जगह। तो गाइस यहाँ के जो मोमोज है वो मेरे फेवरेट हैं। तो इधर से हम आ रहे थे क्योंकि यहीं से जो है हमें केक भी लेना है, तो इस वजह से गाइस वो लेने गए हैं हमारे लिए मोमोज। और फिर बेटा उधर हो ना, फिर दिखाऊंगी। तो गाइस फिर हम लेंगे केक। और गाइस हम ना गाड़ी में बैठे हैं, वहाँ खा नहीं रहे मतलब, क्योंकि यही है कि एक तो लेट हो रहे हैं क्योंकि घर पे भी अभी केक कटने का टाइम होने वाला है और वैसे भी गाइस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो हम गाड़ी में बैठे हैं सिर्फ वो लेने गए हैं। तो मोमोज आ जाए और फिर उसके बाद गाइस खा के लेने चलेंगे केक और फिर चलते हैं घर। हरसू क्या कर रहा बेटा? हरसू और गाइज आ चुके हमारे मोमोज इसमें, तो अभी मैं इनको खा लेती हूँ। और गाइज ये देख लो सामान रखा है इसमें, ये जो आज गए थे सर्विस करवाने के लिए लेकिन आज हुई नहीं, कल करवाएंगे, तो ये इसी में सामान रखा है। खा लेते हैं यहाँ के गाइज, मेरे मोमोज ना फेवरेट है सच में, मतलब खा तो मैं और जगह के भी लेती हूँ लेकिन इतने खास पसंद नहीं है मुझे अशोक नगर के। तो पहले गाइज मैं ये घाल लेती हूँ मतलब इसमें, फिर मिलते हैं। ये हमारे ड्राइवर साहब चला रहे हैं गाड़ी। गाइज जाम देख लो आप कितना है, इसी वजह से जो है क्योंकि आज गाइज बहुत ट्रैफिक है, इस वजह से मैंने गाड़ी में ही मंगा लिए अपने मोमोज। कितना जाम लग रहा है,
और इस रास्ते पे तो रहता तो भी ना देखे यहाँ भी है रेड लाइट। अच्छा रेड लाइट गाइस, एक तो मंडे भी है तो उस वजह से भी है, दो दिन से छुट्टी रहती है। तो गाइस यार केक ले लिया और अभी चलते हैं घर। आंधी मम्मी तो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे बताओ? पार्टी 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 तो होगी, मोमोज पार्टी अब होगी, गोलगप्पा पार्टी। गाइज आज मेरा मन है गोलगप्पे खाने का, मतलब काफी दिन से था लेकिन मैं घर से आई नहीं थी। और गाइज घर पे मंगाए थे तो घर पे वो मुझे अच्छे नहीं लगते इतने, मतलब जितना मुझे यहाँ के गोलगप्पे अच्छे लगते हैं इतने घर पे अच्छे नहीं लगते। तो आज हम वही खाएंगे यहाँ पे गोलगप्पे खा के और फिर सीधा घर चलते हैं। केक हमारे आ ही गए हैं। कैसे लगे मोमोज? अच्छे गाइज, हमारे ना बच्चों को सबको चारों बच्चों को जो है मोमोज बहुत पसंद है। छुटकू को तो बहुत ही पसंद है, छुटकू तो खैर सिर्फ दो ही चीजें खाता है, एक मोमोज और एक पिज्जा उसके फेवरेट है। तो हमने खा लिए अभी, चिप्स भी फेवरेट है अच्छा सबके सबके। तो गाइज बस गोलगप्पे खा ले और गाइज 7 बज चुके हैं। इन्हीं चीजों में जो ड्रेस ली थी सिर्फ और केक लिया है और मोमोज, मतलब जो है 7 बज के 6 बजे आए थे हम, 1 घंटा लग गया। तो अभी गोलगप्पे खा लेते हैं और फिर चलते हैं। क्या होगा आज कौन गए? आयू कहाँ? आयू मोमोज वाला यार आई के अच्छे लगे। कहाँ गया हो आज? ओ आज तो उधर क्या लग रहा है, वो शायद दही बल्ले है। दही बल्ले ना और वही है ऊपर आज। गाइस आज मुझे गोलगप्पे नहीं मिले खाने के लिए और मैंने पीछे भी ना खाया, मरमन की वही के खाऊंगे, वही के टेस्टी लगे है। अब क्या करें? अब तुमने तो मोमोज तो पिज्जा अल बल्डल चलो क्या करें यार, नीचे बैठ जा अरसी यार। हर्षो नीचे बैठो बेटा, आगे केक है ना फिर उस पे गिर जाओ, ऐसे देख लो। सो गाइस हम भी वहां से आ गए और खाना भी आ गया, सबने खा लिया है, सिर्फ मैं और रूबी रह रहे हैं। एक लाया शाही पनीर, एक कढ़ाई पनीर है और रूबी खा रही है अभी प्याज ना मूरी प्याज में तो गया थे ना खीरा। यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है गाइस हमारा। खा लो तुम भी, तुम ना खाओ आज केक में पेट भरोगे? भाई साहब ने खा ली क्या? तुम भी केक में पेट भरोगे? मैं तो खा ली। खा ली और चाहिए ना? ठीक है, जिसने रोटी खाई वो केक ना, जिसने केक खाएगा वो आपको रोटी ना। ब्याह के बाद देखेंगे राशन। ओहो ब्याह के बाद, ब्याह के बाद तुम पे दावत ही दावत रहेंगी, हम तो कहीं घूमने ना गए, तुम तो चले जाइयो। आ ले जल्दी। अच्छा जी सही है, तो हमारी दावत आ ली। गाई गाई का के मैं गाई गाई के गाई भाई साहब की आ रही शादी, क्या तारीख की है? अभी सोचो ना, सरप्राइज है हमारे लिए भी गाइस, हमें भी नहीं पता कब की है, अभी देखते हैं कब सूझता है। शादी भाई साहब की, अभी तो भीतर खा रही है, होटल की देख के पिघल गए, घर की ना खा कर होटल की खाई कर लग रहा है। तो गाइस हम भी खा लेते बोले ही होंगे जीने पे दरिया ऊपर बोतल। या पे हटा दो टे, या रुक जाओ भी दो ही लेने दो ना, लगा दो जितनी भी है। ए है पागल कहीं का? हाँ तो काट के भी रुको से भी अभी ना लगन तक रुक जा भी, रुक जाओ मोचिस ला चुटकू मोचिस दिए अंदर यहाँ बैठ जा, वहाँ बैठ जा, आएगी आएगी बेटा भी मत मारियो, रुक जा आजा अभी ये जलंत है। मैं पूरी मारूंगी नहीं अभी नहीं, जब मां बोले मैं ही पूत मारूंगा। ठीक है अच्छी मत मारियो तू,
यहाँ चाहे हाथ फूक जा पर एक नहीं जलाएंगे। भाई साहब तुम थोड़ा एक साइड को आगे चिटकू को हाथ लगवाना है काट को कद नंदू काट दिया। तुम काटते तो सही फिर भी आने तुम ऐसे ही तो चक्कू मारो। हां मैं की कहीं कटो तो है इनो भी क्या लगले काट दे चलो कैदी हो जाओ ऊपर को ये का है यो देख लो इन्हें ना कटन दे रहे ना कुछ चलो हैप्पी एनिवर्सरी कोई बोल तो दे भाई साहब तो चलो फिर मना हैप्पी बर्थडे हां हैप्पी बर्थडे नो चल मम्मी को आ देख लो देख लो बाबा बाबा ये बाबा ने लगा से बाबा का लगाया है ला ए कपड़ा ना खराब कर दे पागल कह रही है पापा जी 36वीं है ना 36 हो बेटा ऐसी 100 साल होवे वाह बुढ़ापे तक रहा तू और अच्छी तो बात है खाट में बैठे रहेंगे अब नहीं पाते आ कर दिया दीपक को भाग गो गए मैं तो खवा रहा हूं मैं ये खाद तो अच्छा है खाओ ए ये देख गिरे और छत का तो पागलन की तरह खा लिए खा लो वो हो गए लो मम्मी चलो लो लो काट रहा है काट रहा यार लोग खा गया गाइस इसे देख लो दिखा ना इसे देख लो सबके खुद ने सान दिया और इसका भी हर्षो अपने आप ही अरे किसी ने अपने चलो 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 ये खाओगे ना पकड़ी में तो दे अपने आपस में अपने आप ही दे अरे तो अपने आप ही ए पागले